अस्सलाम वालेकुम, वी आर लाइव। ओके, आज मेरे साथ जो मेरे साथ हैं, अगर आपको मेरी कोई कमजोरी पता करनी हो, वो कहते ना ये पहले तो इसके पाँव में जूती नहीं होती थी, ऐसे होता था, वो ये आसिफ अख्तर साहब से जो मेरे गेस्ट हैं आज, उनके साथ पूछ रहे हैं, जो हम हाई स्कूल के क्लास में, बल्कि हाई स्कूल से 8वीं क्लास हमने मास्टर आलम साहब अल्लाह ताला उनको जनरल सीख कर इकट्ठी की थी, फिर हाई स्कूल किया, फिर उसके साथ हमारा रब्ता रहा। ये मेरे हाई स्कूल के क्लास में, वो तो आपके पुराने जानने वाले होते हैं, उनको तो आपको पहले सारा कट्टा छट्टा सब पता होता है। ओके, तो ये मेरे साथ हैं, साइटों के रिस्क वो उनको मैं साथ लाऊं, और लेकिन ये बहुत अच्छे इंसान हैं। ये एक तो होता है ना अपने क्लास फेलो या अपने आपस में दोस्त गपशप लगा रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, करनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर आप इनके फ्रेंड सर्कल में हैं तो यू आर इन गुड हैंड्स, लेट मी टेल यू, जब आपको इनकी कभी जरूरत होगी ही विल बी देयर देन एंड देयर, आपको इफ एंड बट्स का कोई चक्कर नहीं होगा। ही हेल्प मी ऑन माई पर्सनल मैटर व्हेन आई नीडेड हिम द मोस्ट। सो पब्लिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से आसिफ थैंक यू सो मच, यू नो यू आर देयर। और उसके साथ साथ ये एजुकेशन साइंस का ताल्लुक है, उसके साथ साथ ये एक मीडिया के किसी के साथ ताल्लुक बताएंगे डिटेल में, आपको हिंट हिंट दे रहा हूँ, तो क्या आप इसको वॉच करते रहे, मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, डिटेल ही आपको खुद बताएंगे। ये एजुकेशन से ताल्लुक है, उसमें टीचर्स की किसी ये वो जो होती हैं एसोसिएशन उसमें भी हैं, बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बल्कि उनके बिहाफ पे टीचर्स की तनख्वाहें कम होती हैं, स्ट्राइक हो रही होती है, सारा कुछ वो सारा जाके उसे हायर लेवल पे जाके निगोशिएट करना, अपने डिमांड्स को मनवाना, दूसरे लोगों को रिप्रेजेंट करना, और ये सारा वॉलंटियर काम होता है, ये क्यों करते हैं ये भी उनसे पूछेंगे। फिर प्लस साथ आज आप अगर आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं अपने काम में, आप ऑनलाइन पैसे बना के सक्सेसफुल हो गए हैं, या आप अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करके सक्सेसफुल हो गए हैं, तो फिर उस काम को आपने अगर अपना बिजनेस आप 1000 रुपया महीने का बना रहे हैं, तो आपने 10,000 कैसे बनाना है, वो पैसे बनाना नहीं सिखाएंगे, वो आपको एक तरीका बताएंगे जिससे आपको उससे 10 गुना ज्यादा फायदा हो सकता है। तो अगर आप इसको लाइव वॉच कर रहे हैं राइट नाउ, आप ये बताएं कि आप सक्सेसफुल हैं कि नहीं है, नीचे बता दें, कोई बात नहीं, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं फिर भी बता दें, लेकिन अगर आप सक्सेसफुल किसी को जानते हैं वो आप उसको टैग कर दें नीचे कि वो सक्सेसफुल है, क्योंकि ये उसका वाच करना इसको बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में मसला ये है कि जो पहली बात है सक्सेसफुल लोग थोड़े हैं, मुझे पता है, ओके, लेकिन जो सक्सेसफुल हैं वो अपने पास चीज को ऐसे छुपाते हैं कि यार पता नहीं ये साथ ही लेके चला जाना सारा कुछ, ठीक है, ये पक्की बात है। मेरा 1,70,000 लोगों से डीलिंग करने के बाद का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, आप जो मर्जी कहते हैं, लेकिन मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ना, आई एम जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस। तो हम आपको ये बताएंगे कि वो जो सक्सेस आपने अचीव की है वो ऑनलाइन फाइवर पे काम करके की है, अपवर्क पे की है, किसी और तरह की है, लोकल दुकान पे की है, किसी तरह भी कोई सक्सेस अपनी जिंदगी में क्रिएट की है, उसको दूसरों को अबंडेंटली बिल्कुल ओपन हार्ट दूसरों को बताना चाहिए, ताकि ये जो नॉलेज है सीखा वो किसी आपने सीखा ना, नॉलेज आपका अपना नहीं होता कभी भी, ओके, आपने किसी से ये सीखा होता है, तो ये जो नॉलेज है ना ये आपकी अमानत होती है, अमानत तो आप अपने पास रख नहीं सकते, इसको जितना शेयर करेंगे उतना बढ़ता जाता है। अब आपने ये करना है, एक तो इसको आप शेयर करें अपनी प्रोफाइल पे, शेयरिंग इज केयरिंग जैसे, और अपने किसी भी सक्सेसफुल को आप जानते हैं तो उसको टैग करें, बाद में अगर आप रीप्ले वॉच कर रहे हैं उसको भी मैं ऐसे ही करूँ, अपनी प्रोफाइल पे शेयर करें, प्लस उस सक्सेसफुल बंदे को लाएं, क्योंकि जो सक्सेसफुल बंदा है, जो आपका फ्रेंड है, मियां है, बी है, बहन है, कोई मेल फीमेल डजंट मैटर, रियली सक्सेसफुल है किसी भी फील्ड में, उसको स्प्रेड कैसे करना है और अपना बिजनेस कैसे बढ़ाना है, वी आर गोइंग टू गिव यू ऑल दैट ऑन दिस वन। नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप, आई एम गोइंग टू लिसन बिकॉज़ आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू लर्न फ्रॉम माय फ्रेंड आसिफ अख्तर फ्रॉम रहीमियर खान से लाइव है, देखें ये टेक्नोलॉजी का कमाल है, मैं अटलांटा जॉर्जिया से लाइव हूँ, ये रहीमियर खान से लाइव है, हम इकट्ठे एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठे, एक लिंक करके इकट्ठे बात कर रहे हैं, और आपसे पूरे पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लोग भी आपको वॉच कर रहे हैं। बाय द वे ये जो मैं बात बताने लगा हूं, अभी हम बताने लगे, ये पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं, सिर्फ ये पूरी दुनिया में अवेलेबल है, दिस वर्क्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ये भी बताने बहुत जरूरी है, लोग अपनी सक्सेस शेयर यहाँ पे थोड़ा सा फिर भी करते हैं अमेरिका में, पाकिस्तान में बहुत कम है, लेकिन हम ये मैसेज है ये यूनिवर्सल है, लेकिन हम पाकिस्तानियों का एज ए नेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड ओवरसीज हैं या यू नो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, तो हमें ये करना है अपनी सक्सेस को दूसरों के साथ शेयर करना, ये बहुत बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। That's on the same mission. That's why we are trying to do something. I don't know if we are successful or not. ये तो आप ही बता सकते हैं, बात करते हैं कि हम successful हैं कि नहीं। आसिफ साहब, first of all, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया in advance कि आप मेरे साथ live आए on instant notice. बल्कि आप live ये भी नहीं आए, आप तो हर हफ्ते live आने का promise कर चुके हैं, ये भी आपको पता है। आपका भी शुक्रिया कि आपने दावत दी। जी, आप अपने आप बारे में कुछ तो बताएं, मैं हिंट हिंट तो काफी दे चुका था ताकि लोगों को पता चले कि आप हैं कौन, मतलब एक तो मैं था हाई स्कूल का, वो अपने पुराने यार लंगोटिया बता दिया ना, तो वो तो दैट्स नॉट एनफ फॉर पीपल टू नो एज अ प्रोफेशनल लेवल, आप बताएं आप क्या करते हैं। असल में जो मेरी प्रैक्टिस है वो
है कि उस क्लास तो बतौर एडिशनिस्ट मेरा है कि मैं टीचिंग से लिख के साथ, चूंकि मुझे लिखने का शौक था और मैं स्कूल और कॉलेज और फिर उसके बाद जो दीगर इदारे थे, कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन थे जहां पे ऐसे लोगों की डिमांड थी, वहां मैं लिखता रहा हूँ, तो फिर उसके लिए मेरे मुझे जो बेहतरीन जगह मिली लिखने के लिए वो था प्रिंट मीडिया। तो मेरे पास जो वक्त बचता था उसके लिए पहले मैं खबर निगारी करता रहा, फिर उसके बाद मैं एजाजी तौर पे मैंने एक कौमी अखबार, पाकिस्तान का कौमी अखबार, उसको ज्वाइन किया और उसके लिए काम करता रहा। तो जाहिर है फिर उसके बाद जब मैं लिखने का शौक था तो फिर मुझे एक्सपीरियंस हुआ, मुझे दावत मिली, तो मैंने जो टीचर्स की एक एसोसिएशन थी पीटा, उसको ज्वाइन किया और उसमें मैं मरकजी सतह पे मैंने काम किया है, अब भी कर रहा हूँ। टीचर्स एसोसिएशन जो है बुनियादी तौर पे वो टीचर्स के हकूक के लिए काम करती है, लेकिन उसमें फिर जब वो हकूक के लिए काम कर रही है तो होती है तो उसे अपने फराइज की तरह ही तो नहीं होती है। तो आज मेरे ख्याल में जो जो मौजू है हमारा तो यही है, मीडिया को बिलखसूस हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सक्सेस में। बहुत अच्छी बात है। अब ये बताएं, मीडिया का अक्सर ये कंप्लेंट है, मीडिया पे जाए तो दिमाग खराब हो जाता है, सारी नेगेटिव न्यूज आ रही होती है, असल में वहां तो पॉजिटिव न्यूज बहुत कम होती है, कभी कभी आती है, हर रोज आती भी नहीं। तो आप ये बताएं कि उसको पॉजिटिवली आप फीड करें तो आती है या खुद ब खुद वो ढूंढ रहे होते हैं, कैसे ये क्या पॉजिटिव न्यूज पाकिस्तान में, स्पेशली पाकिस्तान में, चूंकि आप हैं पाकिस्तान की बात करते हैं, कि पाकिस्तान के हिसाब से उसमें पॉजिटिव न्यूज आप फीड कर सकते हैं मीडिया को ताकि वो पॉजिटिवली अप्रोच करें। आसिफ साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी, मेरे ख्याल है आसिफ साहब का किसी वजह से कोई लिंक का मसला हो गया, होपफुली ही कैन कम बैक। आसिफ साहब अगर आप ये वाच कर रहे हैं तो उसी लिंक पे क्लिक करके आप वापस आ जाएं, आपके इंटरनेट का कोई मसला हुआ है। कोशिश करते हैं टेक्नोलॉजी के मसले को भी साथ साथ इसको सॉल्व करें। असल बात यह है कि अगर आप पाकिस्तान से सक्सेसफुल हैं तो किसी भी काम में, ओके आप SEO कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, आपने हमसे सीखा है, नहीं सीखा, आप हमें सिखाने को तैयार हैं, आपकी अपनी दुकान है, अच्छी चीज है, कौन है, क्या करता है, लेट्स गेट टू नो इच अदर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गेट टू नो इच अदर, ये एक्सप्लोरेशन कंपेन है। जी आसिफ साहब वापस आ गए आप। जी जी, उसमें जी, कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। जी आप बताएं, बात को कंटिन्यू करें, कोई मसला नहीं। ओके, मेरा ख्याल है अभी मसला हो गया फिर वापस, तो मैं अभी वापस आते हैं तो वो आपको मैं बताता हूँ। जो सक्सेस है उसको हमें आपस में एक्सप्लोर करना है, गेट टू नो ईच अदर, जो लोग सक्सेसफुल हैं, ताकि हम ऐसा आपको बताएंगे कि आप अपना बिजनेस आगे, अगर आपने सक्सेस ली है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं आसिफ साहब को वापस बुलाता हूँ। मैं उनको मैसेज भेज रहा हूँ कि आप प्राइवेटली चैट पे, ताकि वापस आ सके। तो आपने सक्सेसफुल, अगर वो नाम भी वापस आए तो मैं बात को कंटिन्यू करते हैं जब तक वो आते हैं। तो आप ये जो ये कुछ लोग माशाल्लाह अभी से वो सक्सेसफुल कह रहे हैं, ये आसिफ राजा साहब ये कह रहे हैं, जी सुहेल राजा साहब, सॉरी सुहेल राजा साहब के, आसिफ अख्तर साहब आर यू फ्रॉम रहीमर खान? यस ही इज फ्रॉम रहीमर खान। ओके, मी टू फ्रॉम सादकाबाद, वेलकम सुहेल राजा साहब फ्रॉम ओके। ये अहमद कयूम कह रहे हैं, मोहम्मद अफजल शजील, मोहम्मद अफजल राणा एंड फैज जरीफ साहब भट्टी, ये मेरा ख्याल है ये सक्सेसफुल हो गए जिनको आपने टैग किया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप प्लीज इसको करें। तो ये सुहेल राजा साहब कह रहे हैं गुड वर्क, थैंक यू सो मच जी। सुहेल सज्जाद हुसैन सियाल कह रहे हैं, सिद्दीक साहब ग्रेट टू सी यू आफ्टर मेनी डेज। साजिद सियाल फ्रॉम बीजिंग, थैंक यू साजिद, साजिद बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पता आप रेगुलर आते हैं, तो बहुत शुक्रिया। इसको कंटिन्यू करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि जो जो लोग सक्सेसफुल हैं आप उनको टैग करें, जिनको आप जानते हैं वो ऑनलाइन वो आपके साथ शेयर करते हैं या नहीं करते, लेकिन आप जरूर उसको टैग करें ताकि उनको पता चल जाए, इसको वाच करें, शायद इस वजह से अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सके। करना यह है जो आपकी सक्सेस स्टोरी है आपके शहर में, गांव में है, डजंट मैटर एनीवेयर इन द वर्ल्ड एज ए पाकिस्तानी, उसको लोकल मीडिया को बताना है। ओके, ये आसिफ साहब चूंकि मीडिया से इनका ताल्लुक है, एज ए ऑनरेरी काम करते हैं, कोई पेमेंट शेमेंट का चक्कर नहीं होता, क्योंकि मेरे क्लोज फ्रेंड है, तो मैंने उनको कहा कि आप आके बताएं कि मीडिया को अपनी स्टोरी बताते कैसे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप मीडिया को बताएंगे तो आपको आप बहुत सारे और लोगों को इंस्पायर कर रहे होंगे। लेट मी से, जब आप अपनी सक्सेस लोगों को मीडिया के थ्रू लोगों को बताएंगे,
इससे आप तो एक्नॉलेजमेंट मिलती है कि आपने काम किया है जिससे आप दूसरों के लिए इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। फिर वो कैसे करना है वो आसिफ साहब ही बताएंगे, होपफुली ही कैन कम बैक। लेकिन उससे क्या होगा कि आप कहेंगे मेरा जो काम है वो मीडिया में आया था, ये अपनी ब्रैगिंग की नहीं है, अपनी वो खूबी के लिए मैं तो ये ऐसा कुछ चक्कर नहीं है, लेट मी टेल यू। फिर इंटरनेशनल काम है, जैसे एज एन एग्जाम्पल आसिफ साहब के जो बेटे हैं उनका नाम है हमादर राफे। अब हमादर राफे साहब वो माशाल्लाह मास्टर कंप्यूटर साइंस है या इंजीनियरिंग में कर रहे हैं, रहीमा खान यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, और साथ साथ वो इंटरनेशनल काम भी करते हैं, ऑनलाइन क्रैकलिस्ट पे पोस्टिंग कैसे करनी है, सोशल मीडिया पे कैसे करना है, मुझे डिटेल एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ऐसा ऑनलाइन काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ही मेक्स यू नो सम गुड मनी एवरी डे विच इज वेरी गुड थिंग। ओके, अब एग्जाम्पल पे तौर पे बता रहा हूँ, ये मैं उनके बेटे की कोई वो प्रोजेक्ट नहीं कर रहा, जस्ट एज एग्जाम्पल यू गेट द आइडिया। अब उससे क्या होता है कि वो जब उनका काम मीडिया में आ जाएगा, मुझे ये भी नहीं पता उनका काम मीडिया में आया या नहीं आया, ये भी मैं साफ बता रहा हूँ आपको, मुझे नहीं पता। लेकिन जब मीडिया में आ जाएगा, फिर जब वो इंटरनेशनली जब क्लाइंट के साथ और क्लाइंट लेने के लिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए जब वो आउटरीच करेगा, वो क्लाइंट कहेगा जी आप मुझे पैसे कम कर दें, या वो कहेंगे मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता पाकिस्तान से, यू नो, या कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन आप उसको कह सकते हैं जी आप मेरे साथ काम इसलिए करें कि मेरा काम तो मीडिया में फीचर हो चुका है, कितनी अच्छी बात है। फिर आपसे डिस्काउंट करने के बजाय आपका रेट वो आपको डबल भी देने को तैयार है, क्योंकि मीडिया में जब भी आप आते हैं तो आपका काम ब्रांडिंग होता है, ब्रांडिंग आसिफ साहब वेलकम आ गए। जब ब्रांडिंग होती है तो आप अपने ज्यादा पैसे बना सकते हैं। लोग कहते हैं जी मैं अपने से अपनी इनकम कैसे बढ़ाऊं, सक्सेसफुल होंगे लेकिन पैसे उतने नहीं बन रहे, तो अपना काम को मीडिया में फीचर कराएं, फिर जो आपको इंक्वायरी आती है उनको बताएं कि मेरा काम मीडिया में फीचर हो चुका है, तो वो आपको डिस्काउंट करने की बजाय वो आपको, आप ऐसे जैसे डिजाइनर कपड़े जो हैं वो महंगे होते हैं, और फिर भी लोग डिजाइनर कपड़ा लेना भी चाहते हैं, महंगे भी हैं, तो बल्कि क्या के कहते हैं ये मैंने आपको पता है मैंने ये डिजाइनर पहना हुआ है, मैंने ऐसे डिजाइनर नहीं पहनता, लोग इसमें किसी का लोगो नहीं है रेड शर्ट पे, बहुत सिंपल है। लेकिन ये कि आपको अपने काम को ब्रांड करना है, वो जो डिजाइनर बनना है, वरना जो आम कपड़ा है वो 300 रुपए में मिलता है, तो जो डिजाइनर है वो 3000 रुपए मिलता है। ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अपनी इनकम के राइट साइड पे जीरो कैसे ऐड करना है, ये इसका बिल्कुल शॉर्टकट प्रूवन प्रोसेस है, दैट्स हाउ इट वर्क्स। अगर जो डिजाइनर कपड़े हैं उसको मीडिया के थ्रू कभी आपने नाम ना सुना, तो कभी आप डिजाइनर कपड़े के वो पैसे कभी नहीं देंगे, डिजाइनर मीडिया बनवाता है उसको, वो सिलाई वाला कपड़ा तो यार उसी दर्जी ने सीना है ना एंड पे, वो ठीक है बहुत अच्छा काम होगा, मैं काम की बात ही नहीं कर रहा, काम की बेसिस पे आप 3 गुना उससे 100 गुना ज्यादा पैसे नहीं दे सकते। अगर आप 3000 रुपए महीने का बना रहे हैं, 30000 कैसे बनाने, तो राइट साइड पे जो जीरो ऐड करना है ना वो मीडिया के बगैर आप नहीं कर सकते, यही मैं बताना चाहता हूँ। इसलिए आपके जो सक्सेसफुल लोग हैं वो आप उनको टैग करें, उनको वॉच करवाएं, ताकि वो भी ये कर सके। हम ये अपने लिए नहीं कर रहे, ये हम आपके लिए कर रहे हैं, ताकि जो अच्छे लोग हैं उनका पाकिस्तान का काम मीडिया में आए, और मीडिया से फिर आप जो आपके जो और कस्टमर आएंगे वो जी मैंने अखबार में आपका काम देखा था, मैंने टीवी में आपका इंटरव्यू वॉच किया था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, उससे वो आपको डिजायर करके दूसरों को भी बताएंगे, देखिए मैं उस दुकान से काम लेता जिनका टीवी पे आया था या रेडियो पे आया था या न्यूज में आया था। और इस तरह आपका और जो इंटरनेशनल काम कर रहे हैं वो उससे भी आसान हो जाता है, उसको कहते हैं मेरा काम तो न्यूज मीडिया कवर कर चुका है, इस वर्थ आप अपनी वो न्यूज को खुद वॉच करेंगे खुद, उसके बाद आपको उससे ज्यादा पैसे पे करेंगे। नाउ माय गेस्ट इज बैक, जी आसिफ साहब वेलकम, वेलकम बैक अगेन, लोग आपको सरकार से मिल चुका है, तो आप ये बताएं कि ये सक्सेस को मैंने अपनी तरफ से बता दिया इतनी देर में आई वाज टॉकिंग, ताकि आप हम चुप करके बैठ जाते हैं सो जाते हैं लोग जो बात कर रहे हैं, तो आप बताएं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि जो सक्सेस आपने अचीव की है अपनी जिंदगी में बड़े हार्डवर्क से की है, उसको लोग उसको लेवरेज करना मीडिया को बता के अपना नाम को एक्सपेंड करना, और ये बताना क्यों जरूरी है ये बताएं। देखिए जो इंस्पिरेशन है, जो बंदे को किसी तरगीब मिलती है, तो वो इसी सूरत में मिलती है कि आप दूसरे लोगों का काम आपके सामने आए उसके मुताबिक वो करता है। लेकिन जो इंस्पायर्ड पर्सन होता है उसकी कोशिश दो चंद हो जाती है, यानी वो फिर जो टारगेट अपने लिए जो वो गोल मुतय्यन करता है, वो एक मंजिल का तयन कर लेता है, फिर जब उसे ये पता चलता है कि दुनिया के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं और कामयाब हैं, तो वो ये समझने लग जाता है कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें भी कामयाबी मिल सकती है। तो इसलिए कामयाबी को देखना और कामयाबी पे नजर रखना दूसरों की कामयाबी पे, और उससे कोई काम करने से पहले ही आगाह हो जाना कि क्या तरीके किए जा सकते हैं, तो बहुत सही है। और ये यकीनन एक कामयाबी, जिंदगी की कामयाबी के लिए दूसरे कामयाब जो सक्सेसफुल लोग हैं
उनकी उनको उनका मीडिया है, मीडिया खासतौर पे वो आपको प्रोजेक्ट करता है, वो आपके काम को प्रोजेक्ट करता है, और प्रोजेक्शन से उसको लोग जान भी रहे हैं, इससे आपको आपकी जो सलाहियत ये होता है कुछ उस शोबे से वाबस्ता लोग आप तक पहुंच जाते हैं, आपसे रब्ते में आ जाते हैं। इस तरह से आप जो अकेले जो कुछ कर रहे होते हैं उसमें दूसरों का हिस्सा भी उसमें शामिल हो जाता है। जी माशाल्लाह, ये मिर्जा जहीन कह रहे हैं मोहम्मद सिद्दीक, आई रियली लाइक योर आइडिया ऑफ इंक्रीजिंग इनकम विद एडिंग जीरो ऑन द राइट साइड नॉट ऑन द लेफ्ट साइड। अगर राइट साइड पे जीरो होगा तो 300 या 3000 बन जाएगा, अगर लेफ्ट साइड पे होगा तो जितने मर्जी लगाते रहे उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता। तो मोस्टली जब हम अपने वो टकरे मार रहे होते हैं ना, वो जीरो लेफ्ट साइड पे लगाने के चक्कर में होते हैं। ओके, लेट मी से जिंदगी में शॉर्टकट कोई नहीं है। क्यों आसा साहब, ये शॉर्टकट तो नहीं है ना, पहले आपने सक्सेस क्रिएट करनी है, फिर आपने मीडिया को बताना है जिससे और लोग आपके इंस्पायर होंगे काम पे, और साथ जो आपका क्या फायदा होगा, कहते मैं क्यों बताऊं जी, मेरे तो कस्टमर जो कम हो जाएंगे, या मैं ऐसे हो जाएगा, या मेरा भी बिजनेस आपका कॉपी कर लेगा। पहली बात है कॉपी कोई नहीं कर सकता। मैं इतने हजारों लोग दफा मैं लाइव आ चुका हूँ, 100 दफा तो आ ही चुका हूँ ना, चलो 10 दफा आ चुका हूँ आप उनको, अगर आप मुझे बात करें तो यू प्रॉब्ली सीन विद दिस रेड शर्ट, अब तंग आ चुके हैं इस रेड शर्ट को देख देख के। व्हाई, इट्स ऑल अबाउट ब्रांडिंग। और मैं अपनी सक्सेस का मैं हर, बल्कि मैं अपना तो छोड़ दे, मैं तो हर गेस्ट की जो उसको निकाल निकाल के दूसरा आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये देखिए इसने क्या किया, इसने क्या किया, शायद हमें क्या पता किसकी बात किसको समझ आ जाए। मकसद क्या है कि जो हमने लोकल सक्सेस जो हीरे ढूंढ के ना लोग आपको दिखा रहे हैं कि ये पॉसिबल है। खानपुर से लड़का सिंपल बीए करके वो कहता है सर मैंने वो $2000 बना लिया ऑनलाइन आपके काम से सीख के। असल में ये खुशी होती है। अब वो ये सिर्फ एक तो ये मैंने सीख रहा है, अब मेरे पास जो सक्सेसफुल बंदा आएगा ना मैं तो उसको छोड़ता नहीं। फिर मैंने उसको कहा कि आप ऐसा करो कि आप हमारे पेज पे आके टीच करो, देखो ये आरफ रहमान उसका नाम है, यहाँ पे आके हर हफ्ते वो टीच करता है। जो उसने कभी इंटरनेट पे आके कभी वीडियो बनाने का सोचा भी नहीं था, वो वीडियो पे आके दूसरों को टीच कर रहा है। लुक एट द इंपैक्ट ऑफ दैट सक्सेस। ठीक है, अब मैंने उसको ये बताया कि आप जब ऑनलाइन काम करने के लिए इंक्वायरी कोई आपके पास आती है, व्हाई शुड वर्क विद यू, या आई एम ग्लैड यू आस्क दैट क्वेश्चन, दैट्स हाउ यू टेल देम। मैं सिर्फ ये काम करता नहीं, मैं आगे सिखाता हूँ। पीपल लव ये बाहर ओवरसीज जो लोग हैं ये बहुत अच्छा, पाकिस्तानी को छोड़े गोरों की मैं बात कर रहा हूँ, दे लव व्हेन यू टीच समवन कि आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हो। जब आप किसी की हेल्प करना चाहते हो तो अल्लाह ताला का सिस्टम ऐसा है कि आपके पास वो बंदा ऐसे ही आता है, रोजी तो हम कहते हैं ना लिखी हुई है, जो किस्मत में वही है ना। तो किस्मत में काम तो आपने करना ना, कमे तो नहीं बनना ना। तो आप जब किसी की हेल्प कर रहे हो तो आपकी एक तो आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो रही है पहली नंबर चीज, नंबर उससे किसी का इम्पैक्ट किसी की जिंदगी आपके कहने से चेंज हो जाए तो आप तो मैं तो 24/7 करने को तैयार हूँ, नंबर वन। नंबर टू, नंबर थ्री, उससे बच्चे बच्चियां आपके जैसे जो लोग हैं वो भी इंस्पायर होके अगर वो करेंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। ऑनलाइन बिलियंस ऑफ डॉलर का काम है, बिलियंस, बी फॉर बिलियन, मिलियन की मैं बात नहीं कर रहा, मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ, रुपयों की बात नहीं कर रहा, बिलियंस की। इतना काम है, हम सारे कौम पूरी पाकिस्तान में मिलियन बंदा भी काम करना, बंदा बंदी काम करना शुरू कर दे, खत्म होने वाला नहीं है। ये पूरी दुनिया इस काम से फायदा उठा रही है, मैं तो कह कह के थक गया हूँ। इसलिए मैंने आसिफ साहब से बुलाया कि आसिफ साहब जरा बताएं हमारे बच्चों को कि अपनी जैसे सक्सेस क्रिएट की है, आप ये बताएं आगे जी वो मीडिया को कैसे बताएं, उसको तो पता ही नहीं बात कैसे करनी मीडिया से, मीडिया वाला तो उसको लिफ्ट ही नहीं कराएगा। बताएं आप किस तरह क्या कहना है, कैसे कहना है, ताकि वो आपसे वो उनसे इंटरेस्ट लेके बात कर सके। फिर अगला सवाल ये होगा कि उसको आउटरीच कैसे करें लोकल शहर में। जी जी नहीं, अब ये है कि जो मीडिया मीडिया की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर ये है कि जो प्रिंट मीडिया है वो बिलखसूस वो लोकल हो चुका है। जितने भी पाकिस्तान के जो अखबारात हैं वो लोकल कवरेज बहुत ज्यादा करते हैं। उसकी वजह ये है कि जब से पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है, जो मुल्की सतह की खबरें हैं, जो बैन अवी सतह की खबरें हैं इंटरनेशनल लेवल की, वो तो फौरी तौर पे वो टिकर की सूरत में, वो ब्रेकिंग न्यूज की सूरत में वो तो आ जाती है स्क्रीन पे। और इसके अलावा आजकल तो वैसे ही पाकिस्तान में जो पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में शामिल है कि जहाँ पे इंटरनेट की अच्छी सहूलतें मोबाइल पे मौजूद हैं, तो अब तो मोबाइल पे भी सब कुछ आ रहा है। तो जो कौमी सतह की खबरें हैं और बैन अवी सतह की खबरें हैं उनकी हैसियत के लिए खास नहीं रहेगी, क्योंकि वो लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। अब लोगों को जो उनको लोकल चाहिए होती हैं
उसके लिए वो अखबार की तरफ जाते हैं, खासतौर पर प्रिंट जो मीडिया है उसकी तरफ इसलिए जाते हैं कि वो ये जानना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं रहीमयार खां में रह रहा हूँ तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वहां पर खां की खबरों का ब्लैकआउट है, यानी वहां पे उनको नहीं मिलती उसके बारे में, तो वो फिर सुबह अखबार इसलिए पढ़ेगा कि उसको रहीमयार खां जिले में मिल जाए या जनूबी पंजाब की खबरें मिल जाए, तो वो उसे भी आगाह रहना चाहता है। तो इसलिए प्रिंट मीडिया है वो है, जो इश्यूज हैं जो लोकल एक्टिविटीज हैं उनको वो खुद ज्यादा अहमियत दे रहा है। उसके लिए सिर्फ ये होता है कि हमें पता नहीं होता कि हम रुजू कैसे कर सकते हैं। उसके लिए मैं 1-2-3 करके बता देता हूं कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम अपनी कोई सक्सेस या अपनी अपने जो हम जो कुछ जिंदगी के अंदर काम कर रहे हैं उसको अगर हम मीडिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले नंबर 1 हमें ये पता होना चाहिए कि जिस जगह पे हम रह रहे हैं उस इलाके में जो कौमी अखबारात बिलखसूस या लोकल जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके नुमाइंदगान कौन से हैं, उनके अगर ब्यूरो ऑफिस मौजूद है तो वो किस जगह पर मौजूद है। नंबर 2, हमें उनसे राबता करना चाहिए, मिलके भी कर सकते हैं, दोस्तों से उनका नंबर भी ले सकते हैं टेलीफोनिकली, उन्हें बताना चाहिए कि मैं फलां काम कर रहा हूँ, मैं कोई रिसर्च कर रहा हूँ, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, इसको मैं कैसे प्रोपेगेट कर सकता हूँ, कैसे इसको प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। तो उनसे जब आप रब्ता करेंगे तो वो खुद आपको गाइड करेंगे कि आप क्या करें। और तीसरा ये है कि सिर्फ इसके लिए सिर्फ आपको ये नहीं आप कह सकते कि सिर्फ इतना कह दें कि भाई मैं फलां काम कर रहा हूँ, मैं एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं इस पे कामयाबी हासिल कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये प्रिंट मीडिया के थ्रू दूसरों तक पहुंचे तो ये आप इसके लिए कुछ कर दें। वो सिर्फ इतना इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि बेहतरीन तरीका ये है प्रिंट मीडिया तक पहुंचने का, आप एक्टिविटी करें, कोई एक्टिविटी करें, यानी कि आप एक एक्टिविटी ये कर लें कि आप एक सेमिनार कर लें जिसमें जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा लोगों की, 20-30-40 लोग हों वो आके उस मौजू पे बात करें। आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं कि आप एक डिबेट कर लें, एक मुजाकरा कर लें जहां पे आप 8-10 लोगों को या 5-7 अपने दोस्त अहबाब जो आपका हल्का है जो सर्कल है उनको बुलाएं और उसमें मीडिया वालों को दावत दें कि देखें ये हमें काम कर रहे हैं, इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो उसको फिर अगर आप फर्ज करें कि आप उसको इस तरह से नहीं पेश कर सकते कि जिस तरह के प्रिंट मीडिया में एक खबर निगारी होती है या खबर या न्यूज जाती है, तो वो लोग आपकी मदद करेंगे। और जो लोकल प्रिंट मीडिया है वो हर वक्त तैयार है आपकी बात को प्रोपेगेट करने के लिए, पब्लिश करने के लिए, आपकी बात को प्रोजेक्ट करने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं कुछ आइडियाज आपसे रन करता हूँ, आप बताइएगा। ये इतने माशाल्लाह जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं स्पेशली जो सक्सेसफुल हैं, हमारे स्टूडेंट हैं या नहीं डजंट मैटर, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से सक्सेसफुल हैं, तो वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएट हुए होते हैं मोस्टली, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, यही है ना, मोस्टली पढ़े लिखे होते हैं ना सारे वो। क्या अपनी यूनिवर्सिटी में है तो उनका रिलेशनशिप भी है, इवेंट वहां पे क्रिएट कर सकते हैं किसी इवनिंग में, मॉर्निंग में या सैटरडे में, वीकेंड पे, कि ये जो लोग ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में काम करना चाहते हैं ऑनलाइन, मैं उनको सिखाना चाहता हूँ ऑनलाइन, एक छोटी सी घंटे की प्रेजेंटेशन दे रहा है, ठीक है, तो वो वहाँ के यूनिवर्सिटी के कॉलेज के साथ मीडिया का वैसे भी ताल्लुक होता है, वो अपने मीडिया को वो इनवाइट कर लेंगे, ये देखें हमारा बच्चा जो यहाँ से पढ़ के गया है सक्सेसफुल होकर यहाँ ही वापस हम दूसरों को टीच कर रहा है, इज दैट अ गुड इवेंट, ये सही वाली बात मैं कर रहा हूँ या नहीं है। मैं तो वैसे बिकॉज आई एम अ गुड स्टूडेंट आई वाज लिसनिंग टू यू कि आप क्या बात कर रहे थे, मैंने कहा इसको मैं एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं करूँ, ये आसान जगह है ना। नहीं, इसके लिए मैं आपको इस तरह से इसकी जो आपने बात की है ना, मैं इसी की बात की, इवेंट क्रिएट करना, ये एक्टिविटी करना, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिस तरह आपने बात की उसी को लेके बात करता हूँ कि देखें जो जो आमतौर पर पढ़े लिखे लोग होते हैं जैसे आपने बात की, तो उनका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके साथ रब्ता रहा होता है या उस वक्त भी होता है, तो उसके लिए अगर एक कॉलेज की सतह पर उनका है तो वो ये कर सकते हैं कि कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के पास चले जाएं, उन्हें कहें जी मैं जो जिस शोबे में मैं काम कर रहा हूँ, जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, इस शोबे से वाबस्ता जो आपके पास स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं बात करना चाहता हूँ। अच्छा,
तो उसके लिए वो आपको अरेंज कर देंगे, वो भी ये चाह रहे होते हैं कि कोई एक्सपीरियंस या उस तक पहुंचाए, उस इदारे के लिए भी अच्छा होता है और उसके स्टूडेंट के लिए भी अच्छा होता है। तो आप बेशक उसके लिए आपके पास 20 लोग बैठे हों उस किसी हॉल में किसी कमरे में, आप इतला दे दें जो प्रिंट मीडिया है उसको कि इस मौजू पे आप कर रहे हैं तो इसको आप अगर कवरेज दें तो ये बहुत सो का फायदा होगा। तो इस तरह से अगर यूनिवर्सिटी है तो आप यूनिवर्सिटी में रब्ता कर सकते हैं। अगर इसके अलावा फिर आपका एक अपना सर्कल होता है, उसके अंदर आप जैसे काम करने वाले लोग होते हैं उनको बुला के आप डिस्कशन कर सकते हैं, आप उस पे एक दो मौजूआत लेके डिस्कशन कर सकते किसी एक जगह पे और उसकी तस्वीर के जरिए उसकी आप कवरेज भिजवा सकते हैं। तो यकीनी तौर पे जब प्रिंट मीडिया में आपकी कवरेज जाएगी तो उससे ना सिर्फ आपको फायदा होगा, जो लोग उसको पढ़ने वाले होंगे जो देखने वाले होंगे वो उससे फायदा उठाएंगे। बहुत जबरदस्त बात की है, बेसिकली एक इवेंट क्रिएट करें। हाँ, अगर ये आपके पास कुछ बात करने को होनी चाहिए, आप सक्सेस है, आप उसका शेयर करना चाहते हैं, तो जो मीडिया वाला 5-7 को इनवाइट करें तो एक आ जाएगा, एक ने भी कवर कर लिया तो फिर आप उसी खबर को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। वो आप नाउ यू गॉट समथिंग, अब इसके बारे में आप आगे बताएं। आसिफ साहब, मैं तो आपको छोड़ने वाला नहीं, मुझे पता आगे कैसे जाना है, आगे जाने का पता है। अच्छा, उसमें ये है कि अगर आप एक कोई आप इवेंट क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद जिस तरह मैं एक एसोसिएशन है, मेरी एक टीचर यूनियन है, एसोसिएशन है, तो मेरे पास एक फोरम है, उस इवेंट के बाद आपको आपके हमख्याल लोग, आपके माइंड के लोग मिलेंगे, आप उनके साथ मिलके एक कंसोर्शियम बना लें, एक फोरम बना लें, उसमें आप 5-7-10 लोग शामिल हो जाएं, उस फोरम से फिर आपकी जो है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट शुरू हो जाएगी और उस फोरम का आप इस्तेमाल करें मीडिया तक पहुंचने के लिए। जबरदस्त। तो फिर जब ये आप लोग कहते नहीं जी मैं तो ये तो अपनी सेल्फ प्रमोशन हो जाती है, मैं तो सेल्फ प्रमोशन नहीं करना चाहता, आप उस माइंडसेट को कैसे, क्योंकि मैं अभी उनके लिटिल जो वॉच कर रहे हैं जो दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं वो कहते नहीं नहीं मैं तो बहुत हम्बल इंसान हूँ, मैं तो बोले नहीं जी बस अल्लाह का शुक्र है, मैं नहीं चाहता कि मीडिया को पता चले, या मैं नहीं चाहता कि कोई वो तो बिजनेस मेरा ले जाएगा, मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा, या नहीं नहीं मैं तो अपना शो ऑफ नहीं करना चाहता, ये इस तरह के माइंडसेट को आप जरा बताएंगे क्या ये है। जी, असल में ऐसा है कि इसमें इसको चंद जुमलों में मैं इसको जो आप बात कर रहे हैं इसको बताने की कोशिश करूंगा अपना ख्याल पेश करने की, कि कोई भी जो सक्सेस है, कामयाबी है, वो किसी ने भी छुप के हासिल नहीं। जब कोई बंदा किसी भी जिंदगी के अपनी किसी भी मिशन पे काम कर रहा होता है तो उसको यकीनी तौर पे बहुत सारे लोगों की जरूरत पेश आ सकती है, और अज खुद तो कोई आपकी मदद को नहीं आएगा या आपके साथ आपको हेल्प आउट नहीं करेगा या आपके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी प्रोजेक्शन हो, आप अकेले तन्हा रह के कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे भी इंसान जो है वो ये बना ही नहीं इस काम के लिए कि वो अकेले पड़ा रहे, उसको एक तो ये बात है। दूसरी ये है कि आप इस वक्त हमारे जो कुछ नॉलेज है, अगर हमारे पास स्किल्स हैं, तो देखिए ये भी दूसरों की वजह से हम तक पहुंची हैं, जिन्होंने डिलीवर किया है उनकी वजह से हम तक आई हैं, तो फिर एक तो ये लायबिलिटी हमारी भी होगी, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको हम दूसरों तक पहुंचाएं। और तीसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी तो ये कई ट्रेंड, यूनिवर्सिटी भी हूँ, एसोसिएशन में से वाबस्ता हूँ, बहुत ज्यादा इवेंट्स होते हैं हमारे, कभी मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है कि हम कोई काम कर रहे हो तो दूसरा आके उस काम को प्रोजेक्ट करे, इसके लिए हमें खुद अपने आप को पेश करना पड़ता है और कहना पड़ता है, यूं कह लीजिए कि आप काम भी करेंगे और अपने काम को प्रोजेक्ट करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं काम करूंगा प्रोजेक्ट दूसरे करेंगे, वो फिर खास सतह होती है जहां पे दूसरों की जिम्मेदारी आयद हो जाती है, लेकिन अगर आप अभी उस मरहले से गुजर रहे हैं जहां पे आप कामयाबी की उस मंजिल तक नहीं पहुंचे जो जिसको आपने मुतय्यन कर रखा,
फिर आपको प्रोजेक्ट पढ़ना। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं थोड़े से लोग कह रहे हैं, ये शबीर अंजम कह रहे हैं जी, या शबीर अंजम कह रहे हैं, सदीक साहब यू आर डूइंग ए रिवॉर्डेबल वर्क, सदका जारिया। थैंक यू शबीर अंजम साहब। फिर कह रहे हैं शबीर अंजम, दोबारा लिखते हैं, यू आर ए नेशन बिल्डिंग पर्सन। लेकिन मैं अकेला नहीं काम कर सकता, मैं तो फेल हो जाऊंगा। मुझे आसिफ साहब मेरे साथ मिल गए हैं, आप किधर हैं? आप बुलाएं सारे अपने अच्छे फ्रेंड्स को, ये काम हम सारे मिलकर कर सकते हैं। लेट मी से व्हिच आई हियर इट ऑल द टाइम फ्रॉम पीपल, क्योंकि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, सारे कंप्लेन करते हैं सारा दिन। टीवी भी करता है कंप्लेन भी करता है, मीडिया भी करता है, ऑल नेगेटिव टॉक, जैसे बीवी आपके दिमाग में हमेशा हिट कर रही होती है। बिल्कुल ये चक्कर, हर कोई नेगेटिव बात कर रहा है। अच्छा मैं इसका जवाब ये देता हूँ, गवर्नमेंट जो काम कर सकती है वो कर रही है, जैसे भी कर रही है, अपना रोल अदा कर रही है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग का, मैं उसको कुछ नहीं कह सकता। ओके फिर कहते हैं यहाँ की जो कंपनी है ना बड़ी बड़ी, वो सही तरह जॉब नहीं देती, अपनों को देती है, रिश्वत लेके देती है, ऐसी सर्विस। मैं कहता हूँ जो कॉर्पोरेट का जो काम है वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं उसको क्या कह सकता हूँ भाई, उनका काम है। अब तीसरे कौन रह जाते हैं, आप वाच कर रहे हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपने अपने लिए और अपने मुल्क के लिए लेटली क्या किया, दैट्स द क्वेश्चन। फॉरगेट अबाउट कंप्लेनिंग, बट नोबडी नेवर एवर कंप्लेन टू एनीवन, व्हाई, हियर इज द रीजन सीक्रेट, नो वन लिसन टू योर कंप्लेंट्स एनीवे। जितनी मर्जी कंप्लेन करो सुनता ही कोई नहीं, कभी ना कंप्लेन करो किस चीज की, कभी भी उससे ये पूछो कि यार इस चैलेंज में मैं फंसा हूं, आई एम लुकिंग फॉर योर इनपुट ऑन दिस, ये ना कंप्लेन करो, कंप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप सक्सेसफुल हैं तो आपने अपने लिए और अपने आप आगे बढ़ना है, दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन एक्चुअली ग्रो योर सेल्फ एंड अपना मैसेज को एम्पलीफाई करें, उससे दूसरे को भी इंस्पायर करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, आपको फायदा होगा कि आपकी ब्रांडिंग हो जाएगी, कि आपका काम मीडिया में पब्लिश हो चुका है, लोकल लेवल पे होगा, फिर डिवीजन लेवल पे होगा, फिर इंशाल्लाह टाइम आएगा डॉन पे भी हो जाएगा, जियो ये वो सारा सारा कुछ करता है, सब कुछ होता है। लेकिन हर काम के स्टेप से बेबी स्टेप क्या होते हैं, क्या पहले चलना शुरू करते हैं, बच्चा पहले कदम लेता है, फिर ऐसा माँ बाप की सबसे खुशी क्या होती है कि जी मेरे आसिफ ने मेरे सदीक ने वाला कदम लिया था, वो देखिए हालांकि एक कदम है, फिर वो ऐसा ऐसा आप उसको खुश देखते हो, फिर ऐसा ऐसा आपको सोफे पे बैठे तो आपके पास चल के आ जाता, कहते हैं अच्छा देखिए वो इस दिन में चल के आया था, यही कॉमन कन्वर्सेशन होती है ना। फिर अल्लाह ताला सेहत दे सबको, तो इंसान सारी जिंदगी चलता रहता है साल ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं, पहले आपने अपने आप को सक्सेसफुल सेल्फिश बन जाए, मैं भी 100% सेल्फिश बनता हूँ, लेट मी टेल यू, यू हैव टू बी सक्सेसफुल फर्स्ट, दैट्स द की, सक्सेस क्रिएट करके उसके बाद आपने उसको एम्पलीफाई करना है अपनी सक्सेस को, ताकि दूसरों को इंस्पायर कर सके। सिंपल, पहले सीखें किसी से, सक्सेसफुल बने, फिर आप उसको मीडिया में, मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और आपका काम जो आपका जो बिजनेस है वो ग्रो कैसे कर सकता है, मीडिया इज योर पार्टनर ऑन दैट। आपको ये सिर्फ ये सीखना है कि बात वो कैसे उनको बतानी है, जैसे आप सब बता रहे थे, फिर उसे आप दूसरों को इंस्पायर करेंगे, ताकि सक्सेस जो आप अपने नॉलेज अपने पास में रखते हैं दूसरों के साथ शेयर करते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो आप इस वीडियो को भी शेयर करें, उसमें जब शेयर करेंगे तो आपकी अपनी ब्रांड जो वैल्यू है बढ़ती जाएगी। तो आसिफ साहब इसके थ्रू मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे, वो कहते हैं जी जी मैंने तो ये $2,000 ऑनलाइन बनाया हुआ है, मैंने ये 500 बनाया हुआ है, ये करें वो करें, तो आप मेरी कैसे हेल्प कर सकते हैं। मैं बहुत इंस्पायर्ड हो गया हूँ आज इससे, तो मैं इसको मैं दूसरों को बताना चाहता हूँ, तो उसका तरीका हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको, मैं बताता हूँ थोड़ा सा, फिर आप ऐड कर दीजिए जो चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप मुझे इस पेज पे इनबॉक्स करें, जो सेंड मैसेज होता है पेज पे इनबॉक्स करें, वहां पे बताएं जी ये मेरी सक्सेस है, पूरी स्टोरी बता दें, जो जितना मर्जी टाइप कर दें, ठीक है। फिर हम उसमें फिर बताएं कि वो हम आपकी जो सक्सेस है चेक कैसे कर सकते हैं। आप फाइबर पे काम करते हैं, आप कहीं ये सर ये मेरी प्रोफाइल है, प्राइवेट मैसेज है, पेज पे हमने पेज पे कमेंट्स नहीं करना, ताकि आपका मैसेज प्राइवेट रहे, ठीक है। आप हमें बता दें अपना काम का, हम चेक कैसे कर सकते हैं। आप कहते हैं मैं $5,000 महीने का बना रहा हूँ, अच्छी बात है, मुझे बताएं दिखाएं जी कहाँ से बन रहा है, कैसे बन रहा है, हम चेक करेंगे, क्योंकि हम फेक स्टोरी तो नहीं, ऑथेंटिक होनी चाहिए ना, जो बात आप कर रहे हैं वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। फाइबर पे है, अपवर्क पे है, किसी और जगह पे कुछ भी है, लोकल दुकान है, कैसा भी सक्सेसफुल है आप बताएं। जब हम अपने तौर पे थोड़ा बहुत चेक कर लेंगे, फिर आपको ये बताएंगे आसिफ साहब से मैंने इजाजत नहीं ली, लेकिन अपने दोस्तों को जो 35 साल पुराने दोस्तों से इजाजत थोड़ी लेनी है, तो उनको कहना आता है काम, इजाजत थोड़ी लेते हैं, उनको ये बताना है कि जी आसिफ साहब आपको ये बताएंगे, वो हमारे साथ हम ऑन बोर्ड है, हर हफ्ते इस कॉल पे आएंगे रात के 10 बजे थर्सडे को, और कॉल पे आके आपको ये बातचीत चलती रहेगी, आप इनको वॉच करें, देखें कैसे करते हैं, फिर जो 100 आएंगे तो उसमें 5 लोग सही होंगे, बाकी कहीं तो ऐसी फैब्रिकेटेड बातें कर रहे होते हैं, हमें पता है चेक कैसे करते हैं, ये बाल सफेद धूप में नहीं हुए हुए, ठीक है, ऐसे कहते हैं ना पाकिस्तान में, बाल सफेद धूप नहीं हुए, ठीक है, इंग्लिश में से कहते हैं आई हैव बीन अराउंड द ब्लॉक, मतलब वो बात वही है, मतलब एक ही है। तो ये आप जब चेक कर लेंगे तो फिर हम आसिफ साहब आपको ये बताएंगे
जो अभी बता भी चुके हैं कुछ, फिर आपका हैंड होल्डिंग भी कर देंगे, आपका काम और देख के वन टू वन आप बात करके उनका 5-10 मिनट आप लेंगे, आपका काम जब हो जाएगा फिर उसको मैं, जब आपका सक्सेसफुली किसी न्यूज़पेपर में टीवी पे आएगा उसको मैं आपके उसी काम को हम ऐसे लाइव करेंगे, आप पूरे नेटवर्क में सब लोगों को इंस्पायर करने के लिए आप उसको और एम्पलीफाई कर देंगे। उससे ये कि मेरे मीडिया के थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट हैं, थोड़े से कुछ और बढ़ते जाएंगे ऐसा ऐसा, वो फिर वो जो स्टोरी है दूसरे शहरों में भी वो डुप्लीकेट होती है। फिर इंशाल्लाह एक टाइम ऐसा आता है कि वो आपकी स्टोरी हर वेरी वेयर, फिर उसके बाद जो काम ऑनलाइन काम करने का आपको $5 या $10 या $50 देते हैं ना, वो कहता है जी अब मैंने काम आपके साथ ही करना है, पैसों की कुछ मतलब नहीं है। सही है, ये बात है असल में। तो ये बहुत बड़ी चीज है ये। अजी आसिफ साहब आप तैयार हैं हर जुमेरात को रात के 10 बजे पाकिस्तान, प्रोवाइडेड बिजली है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरनेट है, क्योंकि पाकिस्तान में ये भी बड़े मसले मसाइल हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ है। तो आप तैयार हैं चैलेंज लेने के लिए, बहुत सारे सक्सेसफुल आपके पास आएंगे ये मैं बता दूं। जी जी चैलेंज बिल्कुल तैयार हूं, और साथ में एक कल बुरी बुरी खबरों में से एक अच्छी खबर ये सुनाई है कल मेरी टीवी पे, हमने देखी पाकिस्तान में कि ये गवर्नमेंट की तरफ से ये पॉलिसी एक स्टेटमेंट आई है कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है उसकी वो सरप्लस हो चुकी है, यानी कि अब हम 24 घंटे बिजली बाकी है। तो अगर इस यही सूरत हाल रही, जो कि बहुत अच्छी है इंशाल्लाह, उम्मीद है यही रहेगी, तो फिर मेरा नहीं ख्याल के कोई और प्रॉब्लम हो। ये पास पावर का मसला होता है अगर ना मैं दस्तियाब आप जुमेरात को। इसमें एक बात का मैं इजाफा करना चाहूंगा आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, वो ये कि उसमें बाद वक्त ये होता है कि हमारी जो बातचीत होती है वो उस तरह से नहीं हम कर पाते जिस तरह से लोग तवक्को करते हैं कि चाहते हैं कि ये फलां फलां मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला इसके अंदर। तो यकीनी तौर पे इस तरह मुमकिन जगह पे जब तक सवाल सामने, तो मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ कि आपके जो जो आपके साथ लोग काम कर रहे हैं, आपकी जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके तहत जो लोग काम कर रहे हैं, उनको अगर की प्रॉब्लम आ रहा है बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर, तो उसमें वो अब यानी प्रिंट मीडिया में वो कैसे जाना है, तो वो अपना जो मखसूस काम है उसके लिए से रब्ता कर सकते हैं, यानी आप के जरिए वो आप उनको मेरा नंबर दे दें, वो ये पूछते हैं कि मैं फला चीज को प्रमोट करना चाहता हूँ, प्रोजेक्ट चाहता हूँ प्रिंट मीडिया के थ्रू, तो उसको कैसे मैं ऑर्गेनाइज करूं। तो मैं उनका जो मखसूस जो उनकी सूरत हाल होगी, उनके हालात होंगे इंशाल्लाह ताला, उसमें इंशाल्लाह ताला मैं उनकी उनसे उनको बताऊंगा, और ये जो साथ होगा ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, चूंकि हम ये अपने झटक का जारिया में आसा सब अपना हिस्सा मिला रहे, मैंने कॉस्ट का पूछा ही नहीं। ये होती है फ्रेंडशिप कि जिसमें आप जो चीज अपनी कैपेसिटी में कर सकते हो पूछे बगैर बता देते कि मैं करने को तैयार हूँ, दैट्स कॉल्ड फ्रेंडशिप। ओके, अब आप ये बताएं कि हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए टोटल, हम इंशाल्लाह इसको खत्म करते हैं और इसके बाद मतलब अपनी अपनी लाइफ में लेट हो रहा है, लेकिन आप आपने अगर आप इसको वॉच कर रहे हैं, रीप्ले में वॉच कर रहे हैं, तो आपने टैग करना है, शेयर करना है, ताकि मैक्सिमम मैं देखता हूँ कितने पाकिस्तान के जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कॉन्टैक्ट करते हैं, ये देखते हैं। पहले आपने मैसेज भी इनबॉक्स करना है, उसके बाद आप आसिफ को फॉलो करते जाएं। आसिफ साहब का नंबर अभी शुरू में ना मांगिएगा, हमें आपका सारा कुछ चेक करना है कि आप वाकई न्यूज़वर्दी, आपकी सक्सेस है या नहीं है। जॉब हम हर एक को देंगे, भूलेंगे नहीं, जॉब सबको देंगे, लेकिन नहीं है तो फिर नंबर उसको देंगे जब हमारे हिसाब से इट्स न्यूज़वर्दी कि आप वो शेयर है। बेशक आपने $5 ऑनलाइन बनाया, इट्स नॉट अबाउट द अमाउंट, ओके, अमाउंट इज जस्ट अ वन लाइन आइटम, वो बैलेंस शीट होती है ना, ये इंडिकेटर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसने 50,000 बनाया उसको करना है तो 5,000 करनी है। अगर 5,000 आपने बनाया उस गांव से जिसमें कभी कोई ऑनलाइन ही नहीं गया, तो उसकी तो वैल्यू बहुत ज्यादा है, बात ये फर्क ही होता है ना। अब मैं चक नंबर 106 पी से रहिंगा खां से, हमारे गांव में तो अभी तक वो ऑनलाइन अभी कोई मुझे तो अभी नजर नहीं आया, कोई है तो पहुंच जाए मेरे पास, मैं तो चाहता हूँ अपने गाँव से अपने जहाँ से आप हो आप हेल्प करने को तैयार होते हो, लेकिन वो नहीं है कोई ऐसा। आप वहां पे अगर कोई एक $5 भी बंदा मिलेगा तो मैं तो उसको आसिफ साहब को विनती करूंगा अभी इसको करें, ताकि वो गांव में जो 300 लोग और हैं वो भी कर सकें। असल बात तो ये होती है ना, इट्स नॉट अबाउट द अमाउंट, इट्स वन ऑफ द इंडिकेटर, हाउ देयर अदर थिंग्स। ठीक है, तो आपने प्लीज इसको शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, और आप इसके बगैर जी व्हाट वी से एज द फाइनल वर्ड, हम इसको रैप अप करते हैं। जी मेरी तरफ आए आप जी अच्छा,
बस इसमें मैं तो इसको रैप अप इस तरह करूंगा कि कामयाबी इंसान की जो कामयाबी है वो अकेले नहीं हासिल की जा सकती, उसके लिए बहुत सारे लोगों को हमें रुजू करना पड़ेगा, हमें ये तरीका अपनाना चाहिए। और इसमें जो पहली चीज होती है, जब आप पहली दफा किसी शख्स से ये कहते हैं कि मेरी इस मामले में मेरी रहनुमाई करें, वो एक पहला जो मौका होता है उस तक आपने पहुंचना है। उसके बाद फिर बंदे को खुद ही समय लग जाती है कि मैंने किसी से गाइडेंस किस तरह लेनी है। तो मैं तो यही कहूंगा कि कभी झिझकना नहीं चाहिए और शर्माना नहीं चाहिए। ask for help, okay? जी ये नहीं कहना मेरे अकाउंट में ये पैसे डाल दें, ये नहीं कहना, मेरे बहुत पैसे आते हैं, ये मसला है पैसे डाल दें, मैं तो बाबा जानते नहीं हूं। तो अब आपने ask for help, ask for advice, these are the two words. आपकी सक्सेस और फेलियर में एक चीज आपको स्टॉप कर रही है, यू डोंट नो हाउ टू आस्क फॉर हेल्प। आस्क फॉर हेल्प इज नॉट द मनी पार्ट, ओके? आस्क फॉर हेल्प, गाइड मी टू गेट वेयर आई वॉन्ट टू गेट, ओके? तो मैं ये आप यस एंड इस पे करना ओके चाहता हूँ, मेरे एलेक्स मंडोजी मेरे मेंटर हैं, उसके 1.2 मिलियन स्टूडेंट्स हैं, डोनाल्ड ट्रम्प, बिल गेट, न्यूज, ये अपने ये सारे स्टीव जॉब्स चला गया, इस तरह के सारे लोगों का इंटरव्यू किया हुआ है। अगर आपको मेरा इंटरव्यू करना पसंद है तो ये क्रेडिट उनको जाता है, मैं मेरा नहीं है, मैं तो बिल्कुल शाय होता था। आसिफ साहब आपको बता सकते हैं, वो कहता है यू आर नॉट एज गुड एज यू थिंक, यू आर बेटर। मैं इसको पंजाबी में उर्दू में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप जितना आप कह रहे हैं, जितने आप अच्छे हैं, आप उतने नहीं हैं, आप उससे भी अच्छे हैं असल में, ये मैं बता दूं, ये वो इसका मतलब है, ठीक है? तो आप, मैं उर्दू समझ आ गई आप, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आप उतने अच्छे नहीं है जितना आप कहते हैं, कहते हैं ये क्या मतलब, आप असल में उससे भी बेहतर हैं। तो आप अपने आप को डीवैल्यू ना करें, हर इंसान जो जब पैदा हुआ था वो एक विनर था और विनर ही है, अल्लाह ताला ने किसी को भी लूजर नहीं बनाया हुआ, ये आप इसको नहीं लूजर मतलब, हम जब दुनिया पैदा हुआ था यू आर विनर, आप वाई यू वांट टू डाई एट अ लूजर, वाई, देयर इज नो पॉइंट। आप सोचना शुरू करें, जब आप अच्छी सोचेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे, तो अच्छे लोग हैं वो आपके साथ खुद ब खुद ऐड होते जाते हैं। ये लेट मी टेल यू, आपकी जो इनकम है वो आपके जो क्लोज 5 फ्रेंड हैं उनकी जो एवरेज इनकम है वही आपकी इनकम है। अगर मैं आसिफ साहब आप कितने पैसे बनाते हैं, मैं ये पूछा, ये लोग कहते हैं आपकी इनकम कितनी है, लोग अक्सर ये पूछते हैं, मैं कहता अच्छा आप अपने बताएं आपके फ्रेंड कौन है, वो कितना बनाते हैं, फ्रेंड की हम बड़े आराम से बताते हैं, उनकी जो एवरेज औसत आएगी ना वही आपकी इनकम है। आप सोचिएगा आप खुद भी इस बात पे, वही है। अगर आपको अपनी इनकम बढ़ानी है तो आप तो जो करना ही करना है, आपने अपने फ्रेंड्स को रिप्लेस करना है, जो आपके क्लोज, जिनके साथ आप 5 लोग जो आपके सबसे ज्यादा क्लोज, जिनके साथ आप ज्यादा टाइम लगाते हो, आपकी इनकम, ये नहीं आप बाकी को फ्रेंड छोड़ दें, वो क्लोज तो हर कोई नहीं होता ना, 5 लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं 500 बंदों की थोड़ी बात कर रहा हूँ, जो आपके क्लोज जिनके साथ हैंग आउट द मोस्ट, दैट्स देयर इनकम इज एवरेज इज योर इनकम। अब आपने क्या करना, जो मोस्ट सक्सेसफुल लोग हैं वो 5 लोगों के साथ, आपने उनके साथ टाइम गुजारना है, तो उससे आप उनकी जो इनकम है एवरेज आपकी अगर नहीं है तो वो हो जाएगी। वजह वजह क्या है, आपको पैसे देंगे नहीं, एब्सोल्युटली जीरो देंगे, वजह ये है उसकी कि उनसे आप सीखोगे इतना कुछ कि आप अगर वो मिलियन बना रहा था, आप उसका 1% भी बना रहे तो $10,000 होगा, ओके? दैट्स द लेसन, दैट्स हाउ यू लर्न योर सेल्फ, यू नीड टू सराउंड योर सेल्फ विद सक्सेसफुल पीपल। वो कैसे आता है, जब आपको इस तरह काम करते हो जो लोगों को पता चलता है, फिर जो अच्छे लोग हैं वो आपका काम नोटिस करते हैं, वो खुद ब खुद आते हैं। मैंने कभी किसी लाइव पे नहीं कहा कि आप मेरे साथ मेरे काम करें, मेरे पास लाइनें लगी हैं लोग लो मेरे साथ जो काम करना चाहते हैं, हालांकि मैंने कभी नहीं कहा मेरे साथ आके काम करें। वजह क्या है, दे नोटिस योर वर्क, एंड सक्सेसफुल पीपल वो खुद ही नोटिस करके आपका काम देख के खुद ही आते हैं, आपको उनको बुलाना भी नहीं पड़ता। इमेजिन यही आपके साथ हो सकता है, मैं तो आपको सारा सीक्रेट बता रहा हूँ कि करते कैसे हैं, इसके लिए आसिफ साहब हमारे साथ हैं। तो प्लीज इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट थर्सडे को रात के 10 बजे मुलाकात होगी, लेकिन उसका इंतजार ना कीजिएगा, लेकिन आप रीप्ले में इसको भी वॉच करें, इसको शेयर भी करें, और प्लस आप सेंड मैसेज करें, टैग करें अपने जितने मैक्सिमम सक्सेसफुल फ्रेंड है, ब्रोक नहीं, ब्रोक बहुत है हमें पता है, पहले थोड़े हूँ, ताकि हम हर शहर में मीडिया में अगर पॉजिटिव स्टोरी जाएगी तो इंशाल्लाह टाइम ऐसा आएगा कि लोग उनको देख देख के इंस्पायर होना शुरू हो जाएंगे। फिर जो काम करने वाले लोग हैं वो ये नहीं कहेगा मेरे पास मैसेज नहीं पहुंचा, हमारा आपका और हमारा काम इकट्ठे मिलकर ये है, जो काम वाकई करना चाहता है उसके बाद मैसेज अच्छा पहुंच जाए, तो आपका काम खत्म हो गया, उसके बाद इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।